आज हम बनाएंगे मखाने और मूंगफली का हेल्दी स्नैक, स्पेशली हमारे मिड डे और टी टाइम मंचिंग के लिए। मखाने की बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। मैं हूँ रश्मि और कुक योर फूड में आपका स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून राई। उसके बाद राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अगर आप व्रत के लिए इसे बना रहे हैं तो इसमें राई ना डालें। राई डालने के बाद इसमें डाल देंगे एक कप मूंगफली। मूंगफली और मखाने का प्रोपोर्शन आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप मूंगफली और तीन कप मखाने यूज़ किए हैं। मूंगफली को हमें लगातार चलाते हुए कुछ देर के लिए भुनना है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिंस और एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, जिससे कि एक हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन है। लेकिन इसको भुनते समय आप ध्यान दीजिएगा कि ये ज़्यादा डार्क ना हो या काला ना पड़े, नहीं तो इसके सारे प्रॉपर्टीज़ भी चले जाते हैं और ये कड़वा भी हो जाता है। और जब इसमें इस तरह से क्रैकलिंग साउंड आने लगे तो समझिए कि ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसको ना डालें। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें बीच में से काट के, और साथ ही 15 से 20 कड़ी के पत्ते। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम या नारियल वगैरह, आपको जो भी पसंद है इसमें डाल सकते हैं। सब कुछ मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे मखाने। मखानों को सबसे एंड में डालेंगे क्योंकि इसको भुनने में सबसे कम समय लगता है। उसके बाद इसमें डाल देंगे काला नमक, थोड़ा सा रेगुलर नमक और इसको मिला लेंगे। मखानों में कैलोरी काफ़ी कम होती है, इसलिए ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं और साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ट्रीट करते हैं। बस इसका स्नैक बनाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसको डीप फ्राई ना करें या इसको ओवर कुक ना करें। तो लो फ्लेम पर मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और तीखा करने के लिए इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं ऊपर से। तो ये लीजिए, मिनटों में बन जाने वाला हेल्दी स्नैक बनके तैयार है। आप इसे बना करके स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी चाय का टाइम हो या बच्चों को कुछ हेल्दी देना हो तो डब्बा खोला और दे दिया। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुक योर फूड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।